है कि द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्टेंडेड, एक फ्रीक्वेंसी एक मास है उसका ऑसिलेशंस का एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। एफ क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर एफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो एफ की वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू रखो, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बोलो, एल टी माइनस वन वैल्यू डालो। ए क्या है? ए इज ए डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट। चलो ए एक डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, इसको भूल जाओ, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो मास एम, एम की पावर एक्स, ठीक है, और के निकालना पड़ेगा यार। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ एल, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और लेंथ का एल, तो एल ने एल को, इसका मतलब ये हुआ एम टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू दैट इज द के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई की पावर आएगी दैट इज एम टी की पावर माइनस टू दैट इज वाई। इसका मतलब ये हुआ कि एम एक्स प्लस वाई और टी की पावर माइनस टू वाई, ठीक है। चलो यहाँ से एक्स एंड वाई निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर पावर क्या है, एम नॉट है, टी की पावर माइनस वन है, एम नॉट टी की पावर माइनस वन है, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। मतलब एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे यार, ठीक है, एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे और उनकी साइन अपोजिट होगी। तो कौन सा इसमें से कि एक्स और वाई इक्वल है और साइन अपोजिट है, एक्स और वाई आपस में इक्वल है उसका साइन अपोजिट है, ठीक है। चलो पहला कभी सही नहीं हो सकता, दूसरा कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। अभी इसमें से और भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है माइनस टू वाई दैट इज टी की पावर माइनस वन, मतलब वाई की पावर वन बाई टू है, तो वाई की पावर प्लस वन बाई टू है और एक्स की पावर माइनस वन, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 31 ईयर प्रॉब्लम ऑफ द यूनिट फर्स्ट। अब अगर आप इतना प्रॉब्लम ढंग से कर लेते हो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुने होगे, तो तुम्हें एक बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। और उसके बाद कुछ, इसके बाद ये देखने के बाद और भी टेस्ट दो, इस यूनिट से टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट दो, 45 45 45 क्वेश्चन करो, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो पढ़ाई करते रहो, अपना बहुत ख्याल रखो, थैंक यू, बाय बाय।